आज तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा रिंग में, सबकी ऐसी की तैसी होने वाली है। WWE का चैंपियन तो मैं ही बन के रहूंगा। अरे फ्रेंकली मैं, मैंने बोला था ना आपको यार, ये गाड़ी के कांच वाच ठीक करा दो, इतनी बेकार हो चुकी है गाड़ी। अबे सिंचन के बच्चे, इधर जहर खाने के पैसे नहीं और तो गाड़ी ठीक कराने की बात कर रहा है। यहाँ पे चुपचाप बीच पे आए, चल बीच घूमते। और यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है भाई साहब, पहले तो गाड़ी पार्क करने दे। हाँ एक काम करता, यहीं पर लगा देता। वैसे भी अपनी इतनी ज्यादा खटारा गाड़ी है भाई साहब, कोई इसे चोरी भी नहीं करेगा। अबे यार इसको क्या हो गया? अबे भाई तू क्यों चौड़ मारा है? अरे यहाँ पे दो दो। अरे यार मैंने क्या किया तुम्हारा? अबे कलवे इतने महंगे, बीच पे अपनी सस्ती सी गाड़ी लेके आता है, हमारा पूरा नाम बदनाम करा, तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं। अबे भाई यार, अब मैं गरीब हूँ, मेरे पास खटारी गाड़ी, तो मैं क्या करूँ यार? तुम मुझे मार थोड़ी सकते, तेरी ऐसी की तैसी भी बताता हूँ यार। तू तो मेरे को मारे जा रहा भाई सिंचन, मेरे को एक मुक्का मारा, इसको एक लात देता हूँ और तेरी ऐसी तैसी मोटे तू जाएगा। अभी बताता, तेरा चश्मा गिरा दिया। अरे भाई साहब बहुत कस के मुक्का मारा है मेरे को, मैं भी छोड़ूंगा नहीं, तेरे को और मुक्का मारूंगा। अबे भाई साहब एक रख के दिया मेरे को उसने, फिर से ये ले मोटे। अबे भाई तो बहुत मार रहा है मोटा। अबे सिंचन बहुत मार रहा है, एक मिनट थोड़ा पीछे जाने दो, इसको घूम के रख के देता हूँ। आजा मोटे आजा, भागेगा। अबे रुक जा तेरी तो। अबे यार गाड़ी को क्यों मार रहा हूँ मैं? हाँ अब मोटे तू इधर ये ले, आया मजा मोटे। भाई एक तो मैं गरीब हूँ तो यार ये लोग कुछ भी करेंगे, मेरी खटारी सी गाड़ी के ऊपर चढ़ रहे थे ये लोग। अरे तो फ्रेंकली मैं नई गाड़ी ले लेना, इसको बेच के इतनी खटारी गाड़ी चलाई क्यों रहे हो? अबे सिंचन पैसे रखे क्या जो नई गाड़ी ले लेंगे? चल छोड़ यार, दरिया पे घूमने आए, थोड़ा बीच घूमते, फालतू का यहाँ पे लफड़ा कर लिए। और एक मिनट, यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है? और ये देख सिंचन सुपर कार रखी है यहाँ पे तो। ओ भाई साहब क्या मस्त कार है, लेकिन यार ये लोग कौन है इतने ज्यादा अमीर अपने लॉस सैंटोस में? अरे फ्रेंड मैं, मेरे को तो बॉडी बिल्डर्स लग रहे हैं। अबे पागल हो गया, ये बॉडी बिल्डर्स नहीं, ये WWE वाले, वो रॉक है और ये रोमन रेंस है। तुम लोग पागल हो गया? तुम लोग को ये नहीं पता क्या? अरे भाई क्या कहा, ये WWE वाले? ओ भाई साहब, अबे यार मोटे तेरे से बस इतना पूछा तो मारने लगा। अबे यार यहाँ पे लगता है सबको लड़ना ही। रुको यार पहले इनकी चौड़ कम करता हूँ, तुम्हारी ऐसी की तैसी। आ जाओ भाई साहब, सबको बताता हूँ। ये ले मोटे, चल यहाँ पे ऐसे क्या, अब तेरे को लड़ना है, बहुत लड़ना है ना। आ जा भाई, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और रुको यार WWE वालों को भी मारूंगा। अबे यार इसको तो पहले निपटा देता। चल बेटे भूतिन के, चल यहाँ पे इसको तो मारा, लेकिन यार ये शांति नहीं हो रहा था। चलो यार इसको तो ठिकाने लगा दिया। और अब तेरे को क्या हो गया भाई, तेरे भाई को थोड़ी मारा। अब यार ये भी बहुत चौड़ मारा, इसकी भी बजानी पड़ेगी। चलो भाई साहब ये भी गया। अरे नहीं यार इसके अंदर का दम अभी गया नहीं। ये ले भैंस की आँख, चलो अब इसका दम गया, अब तो शायद नहीं उठेगा। हाँ भाई अब ये गया। और गाइस हम लोग कहाँ पे थे देख सकते हो, यहाँ पे इतना सारा पैसा है, वो भी WWE वालों के पास। हाँ गाइस देख सकते हो, ये तो रॉक है यार, अपने जो WWE में लड़ता है भाई साहब, दी रॉक, द ग्रेट रॉक। और यहाँ पे रोमन रेंस, ओ भाई साहब इसकी बॉडी तो देखो यार। और इनके पास ट्रॉफी भी कितने सारे, पैसे भी कितने, और कितनी लग्जरी गाड़ियां है। अरे फ्रेंकली मैं, मुझे भी अमीर बनना है, हमें भी इतने सारे पैसे और गाड़ी चाहिए, शौहरत चाहिए, इतने सारे लोग हमें भी देखे। अरे पर सिंचन उसके लिए तो यार हमें भी लड़ना पड़ेगा भाई साहब, इनके ऐसा बॉडी बिल्डर बनना पड़ेगा, इनके ऐसा रेसलर बनना पड़ेगा, तब इतना कुछ मिलेगा हमें। अरे फ्रेंकली मैं कुछ भी करो यार, मुझे तो चाहिए पैसे और गाड़ी। अबे सिंचन चाहिए तो मुझे भी, पर क्या कर सकते, रुक यार रोमन रेंज से पूछते। अरे भाई साहब आप थोड़े से पैसे या गाड़ी दोगे क्या? चाहिए तो मैं आपके मसाज कर दूंगा, आपके जो डोले शोले वो दबा दूंगा भाई। अरे पागल है क्या, छोड़ रहा है ये डोले शोले दबाने के पैसे ना मिले? अगर चाहिए तो मुझसे लड़ ले, मुझको हरा दे, और फिर ये पैसे और मेरी गाड़ी भी ले जा। जा है दम तो आजा कलुए मैदान में। अरे भाई साहब ये रोमन रेंस तो मेरे को खुला चैलेंज कर रहा है यार, रिंग में बुला रहा है, मतलब मुकाबले के लिए। और भाई ये मेरे को बोल रहा है अगर मैं जीत गया तो ये पैसे और ये सुपर कार भी देगा अपनी। भाई साहब मजा आ जाएगा अगर मैं जीत गया तो। लेकिन यार इसकी बॉडी तो देखो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा है ये तो मुझे। अरे फ्रेंकली भी लग रहा है नहीं, बहुत ताकतवर है, आपकी चड्डी फाड़ देगा, इतना ज्यादा ताकतवर है रोमन रेंस, आप जानते नहीं हो क्या इसको? अबे सिंचन जानता तो हूँ, मैंने टीवी पे इसको देखा है, पर पता नहीं यार मैं लड़ पाऊंगा कि नहीं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, नीचे लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाओ, ताकि यार मैं इससे लड़ के इसको हरा के इसके पैसे और इसकी गाड़ी जीत जाओ। फटाफट नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाओ। और रोमन रेंस से लड़ने से पहले एक काम करता हूँ, ये रॉक से लड़ लेता, थोड़ा से कमजोर दिख रहा है। आजा रॉकी ये ले मेरा मुक्का। अरे फ्रेंकली भाई आपने इसको मार के सही नहीं किया, अब देखो वो गुस्से में आ गया, अब आपको मुक्के मार रहा है। अरे भागो फ्रेंकली भाई वरना आपकी चटनी बना देगा। अबे सिंचन ऐसे कैसे चटनी बनाएगा? और भाई साहब इसके पास तो मूव्स भी है। ओ भाई साहब क्या रख के मुक्का मार रहे हैं मुझे, अरे बाप रे बाप, मेरे को तो दिन में चक्कर आने लग रहे। अरे भाई साहब भागना पड़ेगा, अबे रॉक तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, रुक जा जरा साइड में जा। और ये क्या इसके चमचे लोग मेरे को मारने आ रहे,
रुक जा पहले टकले को देता हूं। अबे यार रॉक टकले इधर आ जा तू तेरी। ओ भाई डंबल गिरा दिया मैंने। अरे भाई साहब भाई बहुत पंगे ले लिया मैंने यहाँ पे। अरे फ्रेंकी आपको रोमन रेंज से लड़ना था, आप तो रॉक से लड़ने लगे। अबे सीजन मुझे लगा था मैं रॉक को हरा दूंगा पर ये टकला तो मानने वाला नहीं है। रुक जा इस टकले को मारना पड़ेगा। अरे भाई रुक जा टकले तेरी तो ये ले भाई साहब एक मुक्का खा और रुक जा तेरे को और बताता हूँ। अरे फ्रेंकी भाई ये नहीं मानने वाला, ये आपको मार के रहेगा। अबे हाँ सीजन मुझे भी यही लगता है ये नहीं मानने वाला। चलो यार छोड़ो रॉक से मैं नहीं लड़ूंगा। रोमन भाई आ जाओ यार तुम सीधा रिंग में आओ, रिंग में मुकाबला करते हैं। अरे बावड़े छोरे पागल है क्या, इतनी मार खाया इतना सुताया तू इन लोगों से फिर भी तेरे को समझ नहीं आया क्या। चल ठीक है रिंग में आ जा, मैं तुझे रिंग में मारूंगा और मजा आएगा। लेकिन देख लेना अगर तेरी हड्डी पसली टूटी तो मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं, ठीक है। अरे हाँ हाँ ठीक है रोमन भाई कोई जिम्मेदारी नहीं, पर अगर मैं जीत गया तो एक गाड़ी और पैसा मैं लेके जाऊंगा, ठीक है। तो चलो भाई साहब रिंग में मिलते हैं। अरे फ्रैंकलिन भाई ये हम लोग कहाँ पे आ गए? अबे सिंचन हम लोग रिंग में आ चुके और ये तो इतनी सारी ऑडियंस आई मुझे देखने के लिए और रोमन रेंस का फाइट देखने के लिए। और सिंचन मेरा ड्रेस और लुक तो देख भाई साहब कैसा लग रहा हो, एकदम 30 मार खान लग रहा हो ना, कहीं साउथ का एक्टर तो नहीं लग रहा? अरे फ्रैंकलिन भाई साउथ का एक्टर तो नहीं पता लेकिन आप कलवे तो बहुत ज्यादा लग रहे हो। यहाँ पे आप लड़ना है और यहाँ पे भी एकदम कलवे बन के ही आए हो यार, थोड़े गोरे तो हो लेते। चलो कोई बात नहीं लेकिन आपके ड्रेस तो देखो पिंक येलो पता नहीं कौन सा कलर है, सारे कलर मिक्स है लेकिन बहुत बढ़िया लग रहे हो। आज टोमन रेंज की छुट्टी कर देना है। अबे सिंचन वो टोमन रेंज नहीं रोमन रेंज है उसका नाम तो सही से ले ले। और ये देख भाई साहब क्या मैं मस्त क्लैप कर रहा हूँ, पूरे के पूरे लोग मेरे लिए चीयर कर रहे, कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। जबकि मैं तो यार एक अच्छा रेसलर भी नहीं हूँ पर यार मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जीतने के लिए क्योंकि पैसा और गाड़ी जो मिलने वाला है। चलो भाई साहब आज तो मुकाबला करने में मजा आएगा। ये थोड़ा नाच लेता थोड़ा अपने मूव्स दिखा देता हूँ लोगों को। अरे फ्रैंकलिन भाई ज्यादा भी खुशी में मत नाचो, अभी रोमन रेंस आता ही होगा आपकी वाट लगा देगा। और देखो वो आ गया, उसका वाला गाना बजने लगा। बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है वो। अरे यार आपकी प्रैक्टिस कुछ काम नहीं आने वाली। ये देखो आ गया और बाप रे इसके पास तो दो दो बेल्ट है और कितना ज्यादा देखने में खूंखार लग रहा है और ऑडियंस तो देखो कितना चिल्ला रही है इसके लिए। हाँ भाई सिंचन यार वो तो देख ही रहा हूँ, ऑडियंस तो बहुत ही ज्यादा फैन है यार इसकी। भाई साहब इसके आते ही अलग ही रौनक आ गई यार पूरे के पूरे ऑडिटोरियम में, भाई क्या नाम चैंट कर रहे इसका सबके सब। अब फ्रैंकलिन भाई आगे क्या होगा? अब क्या होगा सिंचन, अब मैं यहाँ से पीछे नहीं जा सकता, अब मेरा और इसका मुकाबला होगा बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला। अब तू शांत हो जा और मैं भी शांत हो जाता हूँ, अब सिर्फ मुकाबले पे फोकस होगा। अब मैं सीधा आखिरी में बात करूंगा ठीक है। अरे हाँ हाँ फ्रैंकलिन भाई ठीक है, आज इस रोमन रेंस को छोड़ना मत, इसकी पुंगी बजा के रख देना। अरे ये तो बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ के आया, अरे इसने तो आपको एक ही बार में मार के गिरा दिया। अरे आपका बाल पकड़ लिया मारो। अरे बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन भाई क्या घुसा मारा। अरे वाह आपने ये सब कहाँ से सीखा? अरे वाह क्या किक मार रहे हो आप। अरे एक और घुसा एक और लत। अरे मजा आ गया फ्रैंकलिन भैया आप तो कमाल के निकले। अरे नहीं नहीं ये भी कमाल का है, ये भी आपको बराबर मार रहा है। Kofi Kingston, just when we think Kingston can't surprise us anymore, he finds a way. Yeah, Corey, it's that innovative style that has made Kofi such a hard opponent to rein in. Up into the fireman's carry, and bang! Right about now, Roman Reigns demands acknowledgement. Running knee! To be hard going into a match against Roman Reigns, knowing that he's favored in almost every match he has. Corey, what do you think his opponent needs to do at least to stifle the confidence of Roman in this one? I don't know if it's possible to cap that confidence, Cole, which is why I think the best bet is to at least attempt to match the confidence of Reigns. If you can hold yourself to that kind of focus and hold on to that confidence, you might have a fighting chance. Discouraging results for Kofi, and Kingston getting dismantled right now. Kofi got him back. अरे अरे फ्रैंकलिन भाई आराम से। अरे ये क्या, अरे आप तो रेफरी को ही मार दिए। अरे वाह क्या आपने जंप करके इसको मारा, मजा आ गया। अरे वाह एक और जंप के मारा। अरे यार लेकिन इस बार आप चूक गए, लेकिन कोई बात नहीं फ्रैंकलिन भाई आप इसको हरा दोगे, कोशिश करते रहो। And Roman Reigns demanding acknowledgement from the WWE Universe. Thinking about
through that. Great strength being shown here. Getting tossed around. Gets him with the counter. Body leg drop. He's absorbed some damage already. Cover. A defiant kick out after one. Still has a great amount of fight in them. Not going to let it end like this. A big splash. And he saw Kofi coming. Great invasion from Kofi. Textbook jumping clothesline. Oof. Now that'll do some serious damage. Oh, that's gonna sting your back. Able to counter. Kofi. SOS and Kofi Kingston. This could be it. Cover for the win. Breaks the close count. I am in shock. What's it going to take to keep this guy down? And what a maneuver we just saw there. Just look at Kofi go. You can see Reigns isn't used to facing off against someone who can maintain this level of confidence. The Tribal Chief is struggling to find an answer to this burst of offense. Oh, no, no, no. Oh, and that buys some time. Picture perfect dropkick. Taking it right to the midsection. Vicious right forearm. Oh, no. Getting in position. What's he planning to do here? Oh, the big dog is in a bad way. Yeah, rope. Oh, what a reversal and counter by him. Superman punch by Reigns. And that was offense with a powerful purpose. Nobody can withstand that. Not even Kofi. Wow. And this one continues. The big dog is going to have to fight even harder to score the win. And it's Roman Reigns in a tough spot. Holding on by a thread. Maybe even less at this point. Reigns turns that around. Still got more left in the tank. And a stomp to the gut, too. One way up. Kofi high left. Look out. Oh, that was funny. Just caught flush. And more attacks to his core could hinder his offense. Measured knee drop. I think that one busted Roman Reigns open. Oh, he could be over here! This is it! Great officiating. As the ref noticed, he was on the ropes. Oh, look at the well-placed elbow right on the mark. Oh! Uh-oh, jawbreaker! Call the dentist. Reigns is getting dismantled here. Impressive string of attacks from Kofi here. Yeah, this is spelling trouble for Kofi. Snap suplex. Ooh. Oh, that'll send a shock down your spine. Oh, no, no, no. A big splash. Ooh. Stretch with a kick. The knees up. Could be a big turnaround here. Oh, that was just malicious. Just disrespectful. Man, that looks like it could have caused a bad cut on Kofi. And a stomp to the gut, too. Heading up, he's thinking big. From the top. Man, you put on the floor, you are feeling the cement after that miss. And he goes into the ring. Oh, God! My goodness, that did not go as planned. Might have been a bad plan to begin with. Oh.
Nicely done. Here's the pump handle. Suplex launched. Roman Reigns giving the people in attendance the chance to acknowledge him. DDT. Running leg drop. Big drop of the leg. This juncture, you have to wonder if these superstars can keep up this pace. They're certainly being taken into the deep waters now. There he goes, right out of the corner. Reigns delivers a Superman punch. Knocked out. No coming back from Reigns after that. अरे ये क्या फ्रेंक जी है, अरे रोमन रेंज जीत गया, आपने मार मार के उसका खून निकाल दिया पर फिर भी वो जीत गया। चलो कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा खेला। दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं और फ्रेंक जी मिलके अगले वीडियो में पक्का किसी और रेसलर को जरूर हरा के दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं और फ्रेंक जी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट में जरूर बताना आपका फेवरेट रेसलर कौन है। यहाँ पे देखो रोमन रेंज तो जीत गया।